हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो मैंने लिखा है ये किधर की तरफ अलाइन है, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं। ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाता हूं तो आपको ये पता चलेगा ये किधर की तरफ बाय डिफॉल्ट किधर की तरफ अलाइन है। तो ये जो है लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है। अगर इसे आप राइट साइड लेके आना चाहते हैं, अगर ये पूरा डेटा जो है आप राइट साइड लेके आना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल आर कहेंगे तो कंट्रोल आर प्रेस करने से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कंट्रोल आर तो नहीं प्रेस कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसको सेंटर में लेके आना हो तो कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं क्या, तो कंट्रोल ई भी नहीं प्रेस कर पा रहे। तो अभी क्या करना है हमें, इसको कैसे सेंटर में लेके आए, समस्या यहां पे है। ये 2016 में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Alt H A C। जैसे ही Alt H A C प्रेस करेंगे ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मिडिल में लाना है, अब मिडिल का मतलब क्या हुआ, देखिए सेंटर में तो आ गया, मिडिल का मतलब क्या हुआ देखेंगे। इसकी जो हाइट है इसको अगर मैं बढ़ा देता हूं तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ ये बॉटम में अलाइन है। तो हम इसको मिडिल में करना चाहते हैं, ना ऊपर ना नीचे, ना टॉप में ना बॉटम में, हम मिडिल में करना चाहते हैं। तो अब इसको सिलेक्शन में ले लीजिए, देखिए इसको सिलेक्शन में लिया और प्रेस करना है Alt H A M। जैसे ही Alt H A M प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका जो डेटा है, जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये सेंटर में हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कोई और भी डेटा हो तो उस पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्शन में लीजिए और इसको आप सेंटर या मिडिल अलाइन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।